दोस्तों, एक फ़ोन का जो स्क्रीन साइज़ होता है वो बहुत मैटर करता है, बिकॉज उस पर डिपेंड करता है कि उस फ़ोन का ओवरऑल साइज़ क्या होगा, कि क्या आप उसको बाहर यूज़ कर पाएंगे, वो कितना ऑकवर्ड आपको लगेगा उसको यूज़ करने में, या फिर वो कितना हेल्पफुल होगा यूज़ करने में। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में रहते हैं। तो दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास ये लिनोवो फैब 2 प्लस आया था, और इसको मैंने 1-2 दिन के लिए यूज़ किया, और मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि मुझे इस बड़े फ़ोन से, इसके जो बड़ी स्क्रीन से, क्या क्या एडवांटेजेस थे मेरे लिए, क्या क्या मुझे अच्छा लगा, और उसके साथ साथ मैं कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करूँगा। तो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या आपको बड़े फ़ोन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ ये वीडियो देखते रहिए, बिकॉज इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि आपके दिल को क्या चाहिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं GT हिंदी, मेरा नाम है आशीष, और शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम एडवांटेजेस के बारे में। अब इतने बड़े स्क्रीन पे अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई वेबसाइट जाकर के ब्राउज कर रहे हैं, कोई ई बुक पढ़ रहे हैं, कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। तो मुझे पर्सनली ई बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, और इसके लिए मैं अपने किंडल का यूज़ करता हूँ। मगर अब इस बड़े फ़ोन के स्क्रीन पर मैं जो भी ई रीडर ऐप है उनको इंस्टॉल कर देता हूँ, और उसमें जो नाइट मोड है उसके थ्रू मैं बुक्स पढ़ता हूँ, और एक्चुअली एकदम सेम फील आती है। और तो और, इतने बड़े स्क्रीन पे अगर आप कॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो बहुत इजी हो जाता है जूम करके उस पर्टिकुलर कॉमिक्स के कैप्शंस को पढ़ना, या फिर अगर आप मैगजीन पढ़ रहे हैं तो आप इजीली जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और ओवरऑल आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, दूसरी जो अच्छी चीज़ मुझे इस बड़े स्क्रीन की लगी वो थी गेमिंग के दौरान। अब गेम्स खेलते समय मुझे छोटे फ़ोन्स में प्रॉब्लम क्या होता था कि जो कंट्रोल होते थे वो स्क्रीन के ऊपर रहते थे, और उसके बाद में स्क्रीन पे खेलने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती थी। मगर आप समझ लीजिए कि अगर आपके लेफ्ट में डी पैड है, राइट में वो 2-3 बटन्स हैं, तो उसके बाद आपको स्क्रीन पे लिटरली कुछ दिखता नहीं अगर आपके फ़ोन का स्क्रीन छोटा हो। तो इतने बड़े स्क्रीन के फ़ोन पे आपको पूरा रियल एस्टेट मिलता है, बेटर कंट्रोल्स मिलते हैं, बहुत मज़ा भी आता है, बिकॉज इतने जब जो बड़ा स्क्रीन होता है उसमें आपको फुल HD क्लैरिटी मिलती है। तो दोस्तों, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूं, तो इतने बड़े फ़ोन पे अगर आप हेडशॉट, जो कि FPS गेम्स में होता है, मारना बहुत इजी हो जाता है। और अगर आप एक FPS गेम को पसंद करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं हेडशॉट से क्या मीन कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ वापस से स्क्रीन साइज़ के बारे में आ जाती है, और इतने बड़े स्क्रीन पे आपको मूवीज़ देखने में बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज आपको वो सिनेमास्कोपिक व्यू मिलता है। इसका जो 16:9 का एक्सपेक्ट रेशियो है वो 6.44 इंच में बहुत ही अच्छा दिखता है। तो समझ लीजिए कोई HD वीडियोस हो गए या म्यूज़िक वीडियोस हो गए, आप बड़े आराम से रिलैक्स होकर के अपने काउच पे देख रहे हैं, तो ये स्क्रीन आपको कभी निराश नहीं करेगा। और आपकी अगर मूवी की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, अगर आपके वीडियोस की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, तो आपको उस क्वालिटी का आनंद इतने ही बड़े स्क्रीन में बहुत अच्छी तरह मिलेगा। और दोस्तों, चौथा एडवांटेज जो आपको इस फ़ोन में मिलता है वो होती है अच्छी बैटरी लाइफ। अब बुक पढ़ने के लिए, गेम खेलने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए आपको एक अच्छा जो बैटरी बैकअप है वो बहुत ज़रूरी होता है। और जब इस फ़ोन की स्क्रीन की साइज़ बड़ी होती है तो इसमें कंपनी को ज़्यादा रियल एस्टेट मिलता है एक बैटरी देने का, और आप देख सकते हैं कि इसमें मिनिमम से मिनिमम आपको 4050 की MAH की बैटरी जो लिनोवो में मिलती है, और भी बहुत सारे फ़ोन्स होते हैं जिसमें आपको अच्छी बैटरी लाइफ मिलती है, और वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि इसमें बड़ी बैटरी फिट होती है। तो अगर देखा जाए, अगर सारे एडवांटेजेस को अगर मैं जोड़ करके एक निष्कर्ष निकालना चाहूँ, तो ये फ़ोन एक मल्टीमीडिया रेडी फ़ोन होता है। अगर आपको अपने फ़ोन पे गेम्स खेलना, मूवीज़ देखना, या फिर बुक्स पढ़ना पसंद है, और आपको चाहिए कि आपको फ़ोन पूरे दिन लास्ट करें, तो आप बड़े फ़ोन पे इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। मगर इन सारे फ़ोन्स में डिसएडवांटेज भी होते हैं, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला डिसएडवांटेज होता है इस फ़ोन को एक हाथ से ऑपरेट करना। अब समझ लीजिए कि आपके एक हाथ में कॉफ़ी मग है, या फिर कोई शॉपिंग बैग है, या फिर ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है, और आपका एक हाथ पॉकेट में गर्म हो रहा है, और आप सोच रहे हैं कि यार अपने दूसरे हाथ से इस फ़ोन को ऑपरेट करूं, तो ये पॉसिबल नहीं होता है बहुत बार। और कभी कभी तो आपको अपने नाक से फ़ोन को टच करने की नौबत आ जाती है।
मेरे साथ हुआ है, मैं कभी कभी होता है कि यहाँ पे अगर कोई नोटिफिकेशन हो और मेरा एक हाथ अगर बिजी हो तो लिटरली मैं अपने नाक से अपने फ़ोन को टच करता हूँ। थोड़ा एम्बैरेसिंग होता है, लेकिन फ़ोन गिरने का डर भी साथ साथ होता है, तो ठीक है, मतलब फ़ोन को बचाने के लिए और काम निकालने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो दोस्तों, दूसरी प्रॉब्लम जो इतने बड़े स्क्रीन से आपको मिलती है वो होती है इसकी बिगर डायमेंशंस, और ये आपके पॉकेट में फिट होने के लिए थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब लिटरली अगर आप अपने किसी भी जीन्स की पॉकेट में या फिर चीनोस की पॉकेट में इस फ़ोन को डालेंगे तो इसका थोड़ा सा पार्ट बाहर ही निकला रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप इतने बड़े फ़ोन को अगर अपने पॉकेट में डाल के बैठ रहे हैं तो आपको खुद को समझ में आना चाहिएगा कि किस लेवल का डिस्कम्फर्ट आपको मिलेगा, और बार बार आपको अपने फ़ोन को अपने हाथ में रखना पड़ेगा जब भी आप बैठ रहे हैं। तो डायमेंशंस को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है फ़ोन को कैरी करने में। अब जब डायमेंशंस की बात हो ही रही है तो तीसरा ऑकवर्ड मोमेंट होता है जब आप पब्लिक के सामने इस फ़ोन को ऐसे कान में लगा करके बात कर रहे होते हैं तो उनकी आंखें देखने लायक होती हैं, मगर मतलब उनको लगता है कि भाई साहब ये क्या कर रहा है, इतने बड़े फ़ोन पे ये करना क्या चाहता है। तो उनको ऐसा लगता है कि लिटरली अगर आप अपने फ़ोन को अगर अपने कान पर रख ले तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइन ऑफ साइट ब्लॉक हो रही है, या फिर उनको मतलब समझ में भी नहीं आता कि वो ऐसे देखते क्यों हैं। अब माना कि 7 इंच के फ़ोन से या 10 इंच के टैबलेट से थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन 6.44 इंच के अगर आप फ़ोन से बात करेंगे तब आपको लोगों की जो एक क्रिटिक भरी निगाहें होती हैं वो देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके फ़ोन का स्क्रीन बहुत अच्छा है, उसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसका GPU, CPU और RAM अगर मीडियोकर है तो इससे बड़ा डिज़ास्टर हो ही नहीं सकता। आप उस फ़ोन पे गेम्स नहीं खेल पाएंगे, आप उस फ़ोन में मूवीज़ अच्छी तरह इन्जॉय नहीं कर पाएंगे, उसका जो मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस होगा जो कि ऐसे बड़े स्क्रीन के डिवाइसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आप उनका भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो प्लीज़, अगर आप लार्ज स्क्रीन फ़ोन खरीद रहे हैं तो ये मान के चलें कि आप एक अच्छे प्रोसेसर वाले फ़ोन पे इन्वेस्ट करें, उसका रैम अच्छा हो। जैसे इस फ़ोन का रैम 3 GB है जो कि अच्छा है, इसका प्रोसेसर भी अच्छा है, तो ऐसे अच्छे प्रोसेसर और रैम वाले फ़ोन पे ही इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, ये थे लार्ज स्क्रीन एंड्रॉयड डिवाइसेस से जुड़े एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर आप खुद एक लार्ज स्क्रीन फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको क्या अच्छा लगता है या आपको क्या बुरा लगता है उस लार्ज स्क्रीन डिवाइस के बारे में। अगर आप कोई एडिशनल टिप्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए नमस्कार।